हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के पास फर्स्ट में बात करेंगे फैमिलाइजेशन विथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इक्विपमेंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस टुडे ऑन थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, मीन्स हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड थ्रेसिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं जो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग एक वो क्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा फील्ड के ऊपर या तो फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई भी क्रॉप रहता है तो उसे काटा जाता है या तो खोदा जाता है। ठीक है, काट करके या तो खोद करके या तो प्लकिंग करके, मीन्स तोड़ करके, ठीक है, तो हम उसे इकट्ठा करते हैं, मतलब कि हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हार्वेस्टिंग होता क्या है। वैसे इट इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग, पिकिंग, प्लकिंग एंड डिगिंग आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेशंस फॉर रिमूविंग द क्रॉप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड और एबव द ग्राउंड आर रिमूविंग द यूजफुल पार्ट ऑफ द फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, यह एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, कटिंग होता है, पिकिंग होता है और प्लकिंग होता है, और क्या होता है, डिगिंग होता है। कहने का मतलब कि हार्वेस्टिंग एक क्रिया है जिसमें फसल को या तो किसी भी क्रॉप को काटा जाता है, तोड़ा जाता है और खोदा जाता है। ठीक है, या तो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑपरेशंस, या तो इन सारे ऑपरेशंस का एक योग होता है। ठीक है, मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है फॉर रिमूविंग द क्रॉप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, जिसकी मदद से हम जो जमीन के नीचे या तो जमीन के ऊपर रहते हैं क्रॉप्स, उसको फील्ड में से हटाते हैं, मींस काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और रिमूविंग द यूजफुल पार्ट आर फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट, या तो जो भी उस प्लांट से उपयोग करने वाली चीज़ है उसको अलग करना, या तो फल को प्लांट से तोड़ना, क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। मीन्स हार्वेस्टिंग एक जनरल भाषा में ये चीज़ हो गई कि हम अपने फील्ड से, अपने प्लांट में से जो भी यूजफुल पार्ट है, या तो पूरी क्रॉप को खोद करके, या तो तोड़ करके, या तो उसकी खुदाई करके, या तो उसकी कटिंग करके, या तो उसमें से यूजफुल पार्ट, मतलब जो उपयोग वाली चीज़ है उसको तोड़ करके क्या करते हैं, खेत में से लाते हैं। ठीक है, मतलब खेत से हटाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, देयर आर मेनी इक्विपमेंट्स यूज फॉर द हार्वेस्टिंग एज फॉलोइंग। अपने एग्रीकल्चर में क्या होता है, अपने एग्रीकल्चर में बहुत सारे हार्वेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जो कौन कौन से है। फर्स्ट वन क्या है, सिकल। सिकल मींस हिंदी में बोलते हैं इसे हसिया। ठीक है, हसिया क्या होता है, सिकल इज अ सिंपल हार्वेस्टिंग टूल, या बहुत ही साधारण हार्वेस्टिंग में उपयोग करने वाला, किए जाने वाला एक टूल है। इट इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड कटिंग अदर वेजिटेशंस, यह किस लिए उपयोग किया जाता है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए और दूसरे जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए। इट इज इसेंशली कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक ब्लेड्स, इसमें एक मेटेलिक ब्लेड लगा रहता है। ठीक है, एंड अ वुडेन हैंडल, और एक लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। ठीक है, सिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, जो सिकल्स हैं इसे दो भागों में बांटा गया है, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है प्लेन और सिरेटेड, एक प्लेन सिकल हो गया और एक सिरेटेड सिकल हो गया। ठीक है, प्लेन सिकल ये क्या है, हमारा प्लेन सिकल है। ठीक है, तो एक हो गया ये हमारा प्लेन सिकल, ठीक है, और ये क्या हो गया, सिरेटेड। प्लेन और सिरेटेड में क्या डिफरेंस होता है, ये जो इसका एक ब्लेड है ये बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, लेकिन सिरेटेड में होता है इसमें खांचे बने रहते हैं, ठीक है, टीथ टाइप के, ठीक है, जिसमें
क्या होता है, जिससे क्रॉप आसानी से हार्वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड इक्विपमेंट जो है हमारा मूवर। ठीक है, मूवर भी हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो मूवर होता क्या है, इट इज अ मशीन यूज फॉर कटिंग हार्वेज क्रॉप्स मीन्स ग्रासेस। यह एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग घास को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घास, यह एक प्रकार का मशीन है जिसको उपयोग किया जाता है घास को काटने के लिए। ठीक है, ऐसे उसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं मूवर्स में। ठीक है, और ये गोलाकार ही रहता है, मैक्सिमम ऐसे ब्लेड्स लगे रहते हैं। यहाँ पे एक रोटरी मशीन लगा रहता है जिसके माध्यम से ये सर्कुलेट होते हैं, ऐसे रोटेट होते हैं और ये कटिंग करते हैं ग्रासेस की। ठीक है, यहाँ पे देखिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूवर में क्या क्या है, सबसे पहले तो सबसे ऊपर चलते हैं ऑपरेशनल प्रेजेंस कंट्रोल बार। ठीक है, इससे ऑपरेटर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, हैंडल नोब है। ठीक है, यहाँ पे हैंडल नोब है। ठीक है, गैसोलाइन फिल्टर कैप है। ठीक है, मीन्स करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक वो ये जो यहाँ पे आप लोग ब्लेड देखे हैं ये इसके अंदर लगा रहता है और ये पहिए पे क्या होता है, चलता है और ग्रासेस को कटिंग करता है। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे गार्डन वगैरह में या तो अपने कॉलेज में भी है तो आप लोग देखे होंगे कि इससे क्या होती है, ग्रास की कटिंग होती है। ठीक है, जो मैं तीसरा इक्विपमेंट है रीपर मूवर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रीपर और सेकेंड वन मूवर। ठीक है, मूवर किस लिए, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूवर क्या है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है और रीपर क्या है, ये किस लिए उपयोग किया जाता है। तो मूवर हमेशा, मूवर मीन्स घास काटने के लिए, रीपर मीन्स फसल काटने के लिए, क्रॉप्स काटने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं रीपर क्या होता है। इट इज अ मशीन टू कट सीरियल क्रॉप्स, यह किस लिए उपयोग किया जाता है, सीरियल क्रॉप को काटने के लिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स स्पेशली वीट एंड राइस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, जो वीट और राइस की हार्वेस्टिंग है वो बहुत बड़ी एक समस्या है। देयर इज अ ट्रेमेंडियस क्रॉप्स लॉस व्हेन द अनटाइमली रेन्स इज एक्सपीरियंस, बहुत सारे क्रॉप जो है नुकसान हो जाते हैं जब बारिश हो जाती है। ठीक है, डिलेड हार्वेस्टिंग कॉज ग्रेन्स सेटरिंग ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी, और देरी से काटने पे क्या होता है कि गेहूं या तो धान बहुत ज़्यादा पक जाता है जिससे अनाज जो है कि फील्ड में ही गिर जाते हैं। ठीक है, द स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड कैन बी हार्वेस्टेड विद द यूज ऑफ रीपर, जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है खेत में उसे हम रीपर के माध्यम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और रीपर में भी क्लासिफाइड एज अ, रीपर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, एनिमल ड्रा रीपर। ठीक है, एनिमल ड्रा इंजन ऑपरेटेड रीपर, ट्रैक्टर रियर माउंटेड पीटीओ ऑपरेटेड रीपर। ठीक है, पावर टिलर ऑपरेटेड या तो ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड रीपर, वर्टिकल कन्वेयर टाइप रीपर्स एंड ट्रैक्टर माउंटेड रीपर्स बाइंडर। ठीक है, तो रीपर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा, एनिमल ड्रा रीपर। ठीक है, मतलब कि बैल से चलने वाला, जानवर से चलने वाला रीपर क्या होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ कटर बार ऑफ 1.05 मीटर लेंथ, इसमें एक कटिंग बार लगा रहता है, कितने मीटर लंबे का, 1.05 मीटर लंबा। ठीक है, इसमें एक 1.05 मीटर लंबा कटर बार लगा रहता है। द पावर टू ड्राइव द नाइफ बार इज गिवन फ्रॉम द ग्राउंड व्हील बाय मीन्स ऑफ गियर बॉक्स क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म। ठीक है, द पावर टू ड्राइव द नाइफ, जो पावर होता है वो नाइफ को ड्राइव किया जाता है कहाँ से, ग्राउंड व्हील से। ठीक है, ग्राउंड व्हील से पावर को, नाइफ पावर जो है वो नाइफ को दिया जाता है, कैसे, किसके किसके मदद से, गियर बॉक्स में से, गियर बॉक्स की मदद से, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड की मदद से। क्या होता है, गियर बॉक्स और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट की मदद से व्हील पावर को, नाइफ को दिया जाता है, व्हील पावर जो होता है उसको नाइफ को दिया जाता है। ठीक है, एज अ मशीन इज पुल्ड फॉरवर्ड बाई अ पेयर ऑफ बुलक। ठीक है,
मशीन क्या होता है, आगे की तरफ चलता है दो बैलों के सहायता से। आ रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज इम्पॉर्ट टू द नाइफ बार, और एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन नाइफ बार को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एनिमल ड्रा रिपर। ठीक है, देखिए यहाँ से एनिमल से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो व्हील हैं इसमें एक व्हील और दो व्हील है और ये व्हील है। ठीक है, इस व्हील की मदद से गियर और कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर लगा होता है। तो इस जो हमारा कटिंग बार है इसको क्या करता है, पावर रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है, पावर देता है। इस इमेज में आप लोग अच्छे देखिए क्या है, दो बैलों की मदद से क्या हो रहा है, एक फार्मर है वो क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, किसकी, स्टैंडिंग क्रॉप की। ठीक है, जो हमारा दूसरा है वो क्या है, एनिमल ड्रा इंजन ऑपरेटेड रीपर। ठीक है, कहने का मतलब कि रीपर तो एनिमल के द्वारा खींचे जाएंगे, ठीक है, मतलब ऑपरेट होंगे, चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा रीपर है वो इंजन की मदद से चलेगा। ठीक है, रीपर जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड किसके मदद से होगा, इंजन के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसका ऑपरेशन रीपर का वो इंजन के माध्यम से होगा। ठीक है, बैलों के माध्यम से हमारा रीपर आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा कटिंग का काम है वो इंजन के पावर द्वारा होगा। ठीक है, होता क्या है, इट हैज अ कटर बार ऑफ 1.35 मीटर लेंथ, इसमें एक 1.35 मीटर लंबा कटर बार लगाता है। ठीक है, अ 2 HP 4-stroke पेट्रोल इंजन ऑपरेट द कटर बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 2 HP का 4-stroke इंजन क्या करता है, कटर बार को चलाता है। ठीक है, द ड्राइव टू द कटर बार फ्रॉम इंजन इज गिवन थ्रू वी बेल्ट एंड गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स और वी बेल्ट के मदद से इंजन पावर को कटर बार तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इट कैन कवर 0.22-0.4 हेक्टेयर पर आवर विथ फील्ड एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 80%। ठीक है, यह 0.2 से 0.4 हेक्टेयर एक घंटे में क्या कर सकता है, हार्वेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, ये डायग्राम है एनिमल ड्रा इंजन ऑपरेटेड रीपर का। ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारा, ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर विंडरोविंग। ठीक है, अब मशीन कॉल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर क्यूम विंडरोविंग कैन कट द क्रॉप एंड ले इट इन द फॉर्म ऑफ विंडरो फॉर इजी पिकिंग। क्या है, ये मशीन स्टैंडिंग क्रॉप को, मतलब जो हमारी खड़ी फसल होती है उसको काटती है और जमीन पर विंडरोविंग फॉर्म में रखती है, जिससे आसानी से उठाया जा सके। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेंशनल कटर बार असेंबली। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेंशनल कटर बार असेंबली क्रॉप रो डिवाइडर्स विथ स्टार व्हील्स। ठीक है, कवर्स प्रेशर स्प्रिंग्स एंड वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, इस रीपर में क्या क्या लगा रहता है, एक कन्वेंशनल कटर बार लगा रहता है। ठीक है, क्रॉप रो डिवाइडर लगा रहता है विथ स्टार व्हील्स। ठीक है, क्रॉप रो डिवाइडर जो रहता है स्टैंडिंग क्रॉप में वो ऐसे इंटर करता है और क्रॉप को ऐसे ऐसे करके यहाँ से एंटर किया। ठीक है, तो मान लो ये हमारा क्रॉप रो डिवाइडर है। ठीक है, ये हमारा क्रॉप रो डिवाइडर है। ठीक है, स्टार्टिंग में पिन पॉइंट रहता है। ठीक है, पतला सा, और जब ये ऐसे गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 3-4-10 जितने भी क्रॉप रो डिवाइडर लगे रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऐसे इंसर्ट होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में, तो ये वाला जो पार्ट है ये डिवाइड होकर यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टार व्हील लगा रहता है इस टाइप का, इसमें ऐसे लगे रहते हैं ब्लेड और ये इस फॉर्मेट में रोटेट होता है और क्रॉप को कटिंग करता है। ठीक है, तो क्रॉप रो डिवाइडर विथ स्टार व्हील्स। ठीक है, कवर्स प्रेशर स्प्रिंग लगे रहते हैं एंड वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट लगे रहते हैं, जो कि पावर ट्रांसमिट करने के काम में आते हैं। कटर बार इज गिवेन रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय क्रैंक व्हील। कटर बार इज गिवेन, जो कटर बार होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा, उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन व्हील के द्वारा मिलता है। क्रॉप रो डिवाइडर्स विथ स्टार व्हील्स इंटर्स द स्टैंडिंग क्रॉप। जो क्रॉप रो डिवाइडर होता है सबसे पहले वो स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर जाता है, हेल्ड इन लिफ्टिंग गैदरिंग एंड गाइडिंग द क्रॉप टूवर्ड्स द
कटर बार, ठीक है। क्या क्या करता है हमारा क्रॉप रो डिवाइडर? हेल्प इन लिफ्टिंग, गैदरिंग एंड गाइडिंग द क्रॉप टूवर्ड द कटर बार। उसको उठाता है, ठीक है, इकट्ठा करता है, उठाता है और कहाँ की तरफ भेजता है? कटर बार की तरफ, ठीक है, कटिंग के लिए। आफ्टर द क्रॉप इज कट, क्रॉप कट जाने के बाद क्या होता है? हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग इट्स पासेज बाई मीन्स ऑफ प्रेशर स्प्रिंग एंड स्टार व्हील, ठीक है। कटिंग होने के बाद भी वो खड़ा ही रहता है, ठीक है, और उसे वर्टिकल पोजिशन में ही पास किया जाता है प्रेशर स्प्रिंग और स्टार व्हील के माध्यम से, ठीक है। वर्टिकली हेल्ड क्रॉप इज देन डिवाइडर्स टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द मशीन इन अ विंडरो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मशीन विद द हेल्प ऑफ लगेज कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, वर्टिकली हेल्ड क्रॉप इज देन डिलीवर्ड टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मशीन। जो कटिंग होने के बाद खड़े क्रॉप फसल रहते हैं उन्हें मशीन के दाहिने साइड से ऐसे लिटाया जाता है, किसकी मदद से? कन्वेयर बेल्ट की मदद से, ठीक है। एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है जो रोटेट होता रहता है ऐसे, ठीक है, वो क्या करता है राइट साइड में ले जाएगा क्रॉप को, ठीक है, और उसको वहीं पे गिरा देगा, ठीक है। अब फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर इज द मोस्ट कॉमन रीपर, ठीक है। जो फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर रीपर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली यूज रीपर है, ठीक है, टू हार्वेस्ट वीट पैडी क्रॉप, वीट और पैडी को हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन एंड अदर सिमिलर क्रॉप। इसको सोयाबीन और दूसरे क्रॉप्स को भी हार्वेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो रीपर है ये फ्रंट में क्या है लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, फ्रंट माउंटेड, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पार्ट को डिवाइड करते हैं, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये तो हमारा ट्रैक्टर हो गया जो सब लोग अब तक बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम है, माउंटिंग फ्रेम है, जिसपे क्या होता है वर्टिकल पोजिशन में मीन्स खड़े पोजिशन में क्रॉप्स रहता है, ठीक है। डिस्चार्ज प्लेट है और इस प्लेट पे राइट साइड में क्या होता है क्रॉप को भेजा जाता है, ठीक है। कटर बार है, ये क्या है कटर बार है, ये क्या करते हैं कटिंग करते हैं, ठीक है। क्रॉप डिवाइडर, ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉप डिवाइडर है, सभी में क्या लगा होता है क्रॉप डिवाइडर। स्टार व्हील, ये यहाँ पे देखिए स्टार व्हील लगा हुआ है ना, यही क्या करता है इसको पास करता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है फ्रंट माउंटेड वर्टिकल कन्वेयर विंडरोविंग रीपर का, ठीक है। तो अब हमारा चौथा क्या है, सेल्फ प्रोपेलेट रीपर बाइंडर। सेल्फ प्रोपेलेट रीपर बाइंडर मीन्स सेल्फ मतलब कि सेल्फ से चलने वाला रीपर बाइंडर, जो मतलब कटिंग का भी काम करता हो और बांधने का भी काम करता हो, ठीक है। बाइंडर मीन्स बांधना, जो फसल को काट करके बांधे, ठीक है। इट इज अ सुटेबल फॉर हार्वेस्टिंग एंड मेकिंग बंडल्स ऑफ वीट पैडी एंड अदर ऑयल सीड एंड पल्स क्रॉप। यह किसके लिए सुटेबल है? वीट के लिए, पैडी के लिए और दूसरे ऑयल सीड्स वाले पौधे और दलहनी फसलें के लिए, ठीक है। तिलहनी दलहनी और जो है कि हमारा गेहूं और धान के लिए ये बहुत उपयोगी इक्विपमेंट्स है, ठीक है। ये किसके लिए उपयोग होता है? हार्वेस्टिंग एंड मेकिंग बंडल्स, मतलब कि ये काटता भी है और बंडल भी बनाता है, ठीक है। इट इज ऑपरेट बाई 9 kW डीजल इंजन, यह 9 kW डीजल इंजन से चलता है, ठीक है। द इंटायर सिस्टम इंक्लूड्स क्लच, ब्रेक, स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक एंड पावर ट्रांसमिशन एंड एन ऑपरेटर सीट इज अवेलेबल टू मेक द मशीन राइडिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या लगा होता है? क्लच, ब्रेक्स, स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक्स, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ऑपरेटर सीट होता है एक बैठने के लिए, अवेलेबल टू मेक द मशीन राइडिंग, जिसपे बैठ करके ऑपरेटर
ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्लच किस लिए होता है? पावर इंगेज या तो डिसइंगेज करने के लिए, ठीक है, ब्रेक स्टॉप करने के लिए, स्टेयरिंग डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए, हाइड्रोलिक्स अप एंड डाउन करने के लिए रीपर को, ठीक है, एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, और सीट किस लिए लगा रहता है? जिससे बैठ करके ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। ठीक है, द हार्वेस्टिंग सिस्टम इंक्लूड क्रॉप रो डिवाइडर्स, और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या लगा रहता है? क्रॉप रो डिवाइडर लगा रहता है, स्टार व्हील लगा रहता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कटर बार लगा रहता है ऑफ नाइफ सेक्शन, नाइफ सेक्शन वाला स्टैंडर्ड कटर बार लगा रहता है, वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है एंड वायर स्प्रिंग्स लगा रहता है। ये सब सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे रहते हैं। तो आप लोग स्टार व्हील तो जान ही गए कि ये क्या करता है, ऐसे बना रहता है, इसमें ऐसे ऐसे खांचे रहते हैं, तो ये फॉरवर्ड करता है राइट साइड की तरफ। ठीक है, रो डिवाइडर के बारे में आप लोग जान ही गए कि ये डिवाइड करता है और लिफ्ट करता है और इकट्ठा करता है कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर। ठीक है, ये हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर इमेज है। अब हम लोग ये देखिए फील्ड में ऑपरेट हो रहा है, तो सीट पे बैठ करके एक फार्मर जो है, एक ऑपरेटर जो है, इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पांचवा है सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर, द राइडिंग टाइप सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर विंडरो इज पावर्ड बाई 4.5 kW इंजन, सिंगल सिलेंडर वाटर कूल डीजल इंजन हैविंग रेटेड इंजन स्पीड ऑफ 3000 RPM। ठीक है, द राइडिंग टाइप, राइडिंग मीन्स कि उसको चला करके, मतलब आदमी उस पर बैठ के नहीं, अब उसको उसके पीछे चल करके राइडिंग करके क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। ठीक है, बट द राइडिंग टाइप सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर विंडरोविंग इज पावर्ड बाई, इसको किससे पावर मिलती है? 4.5 kW सिंगल सिलेंडर वाटर कूल डीजल इंजन से। ठीक, हैविंग रेटेड इंजन स्पीड 3000 RPM। ठीक है, द इंटायर सिस्टम इंक्लूड, इसमें भी वही सब लगे रहेंगे, बस इसमें सीट नहीं लगा रहेगा। ठीक है, इंक्लूड क्लच, ठीक है, ब्रेक्स, स्टेयरिंग, हाइड्रोलिक्स एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। द हार्वेस्टिंग सिस्टम इंक्लूड्स, सारे चीज वहीं लगे रहेंगे, क्रॉप रो डिवाइडर, स्टार व्हील, स्टैंडर्ड कटर बार, नाइफ ऑफ नाइफ सेक्शन, वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट एंड वायर स्प्रिंग्स। ठीक है, मतलब सेम चीजें लगी रहेगी, बस ये मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड है, राइडिंग टाइप है, तो इसके पीछे जो है कि ऑपरेटर चल करके, वॉकिंग करके इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे जो है कि ऑपरेटर खड़ा होगा, ये हाथ से पकड़ेगा और इसको ऑपरेट करेगा। ये एक डायग्राम है, इसको देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हैंडल है, इंजन यहाँ पे है हमारा। ठीक है, यहाँ पे लगेज व्हील है, कन्वेयर बेल्ट है जो कन्वे करता है क्रॉप को राइट साइड में। ठीक है, क्रॉप रो डिवाइडर है, ये तो आप लोग जान ही गए कि क्रॉप रो डिवाइडर है। ठीक है, स्टार व्हील है जो क्या करता है, राइट साइड में फॉरवर्ड करता है। ठीक है, अब क्या है, ट्रैक्टर रियर माउंटेड रीपर बाइंडर। ठीक है, जो ट्रैक्टर के पीछे लग करके ऑपरेट किए जाते हैं रीपर बाइंडर, वो क्या है? द मशीन कंसिस्ट ऑफ अ कटिंग गैदरिंग नोकिंग मैकेनिज्म माउंटेड ऑन अ हाई प्रेशर पाइप फ्रेम विथ अ 3-point लिंकेज अरेंजमेंट फॉर द हिचिंग एट द रियर ऑफ द ट्रैक्टर। ठीक है, ये एक फ्रेम में सेट रहता है रीपर। ठीक है, मतलब कि पाइप फ्रेम में सेट रहता है, जो कि 3-point लिंकेज, जो 3-point लिंकेज ट्रैक्टर के पीछे रहता है, उस टाइप से ज्वाइंट करने के लिए, हिचिंग करने के लिए बना होता है। और इसमें क्या क्या लगा रहता है? कटिंग बार लगा रहता है, गैदरिंग नोटिंग मैकेनिज्म लगा रहता है। ठीक है, इट हैज 1.36 meter लॉन्ग कटर बार। ठीक है, इसमें कितने लंबे कटर बार लगा रहता है, कितना लंबा? 1.36
मीटर लंबा बार लगा रहा था एंड पावर टू वेरियस कंपोनेंट इज गिवन फ्रॉम द पीटीओ थ्रू वी बेल्ट एंड पुली, और जो सभी कंपोनेंट है उनको पावर कहाँ से मिलता है, पीटीओ शाफ्ट से या तो वी बेल्ट और पुली से, ठीक है। मशीन कैन बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग वीट एंड पैडी बोथ, इस मशीन को धान और गेहूं को काटने के लिए दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं हार्वेस्टिंग में, ठीक है। ये देखिए एक डायग्राम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रैक्टर के पीछे क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ट्रैक्टर से ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने के लिए बना हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है, बना हुआ है ट्रैक्टर के पीछे ज्वाइंट होने के लिए, और ये यहाँ पे इसके सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। ये हाई प्रेशर पाइप फ्रेम में क्या है, ये सारे कंपोनेंट फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब क्या है, चौथा जो हमारा हार्वेस्टिंग कंपोनेंट्स है वो क्या है, ग्राउंड नट डिगर, ठीक है। हमने हार्वेस्टिंग को एक्सप्लेन किया था, क्या जो हमारा फील्ड में खेत के ऊपर या तो खेत के नीचे जो फसल है उसको खोद करके काट करके तोड़ करके कैसे भी हम लाते हैं वही हमारा हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो खोद कर भी लाएंगे, डिगर मीन्स खोदना, तो हमारा ग्राउंड नट डिगर सेकर, ठीक है, मीन्स ग्राउंड नट को खोदता है, और सेकर मीन्स उसको जो मिट्टी लगी रहती है उसमें झाड़ता है, उसको झाड़ता भी है, ठीक है, मतलब सफैया भी करती है उसकी ये मशीन। इट इज यूज फॉर डिगिंग ऑफ ग्राउंड नट क्रॉप, इसको किस लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड नट फसल को खोदने के लिए, ठीक है। इट इज अ ट्रैक्टर माउंटेड पीटीओ ऑपरेटेड मशीन, या एक ट्रैक्टर से चलने वाला पीटीओ द्वारा, ट्रैक्टर के पीटीओ द्वारा चलने वाला मशीन है, ठीक है। सूटेड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ बोथ इरेक्ट एंड स्प्रेडिंग वराइटी ऑफ ग्राउंड नट क्रॉप्स, ठीक है। इसकी मदद से जो हमारा इरेक्ट और स्प्रेडिंग टाइप वराइटीज होती है ग्राउंड नट की, वो दोनों खोज सकते हैं, कनेक्ट मतलब इरेक्ट मतलब जो बहुत फैला हुआ हो, और जो लाइन से बोते हैं, दोनों टाइप के भी ग्राउंड नट क्रॉप को खोद सकते हैं। ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, चाहे जिस प्रकार के मिट्टी में बोया गया हो उसमें भी ये उपयोग किया जा सकता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ डिगिंग ब्लेड्स, इसमें क्या लगे रहते हैं, डिगिंग ब्लेड्स लगे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड अ स्पाइक टूथ कन्वेयर, और एक स्पाइक टूथ कन्वेयर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कर किया जाता है कि ये डिगिंग, ये क्या लगे हैं, डिगर करने के लिए डिगिंग लगे हैं, ये कन्वेयर लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे से ये खोदता है और ये कन्वे करके ऊपर ले जाता है, तब तक सारी मिट्टी जो है ग्राउंड नट से साफ हो जाती है। यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी बेल्ट के माध्यम से इसमें पावर दिया जा रहा है। तो और हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो क्या, पोटैटो डिगर, मीन्स आलू खोदने वाला मशीन, ठीक है। इट इज यूज फॉर डिगिंग द पोटैटोज, इसको आलू खोदने के लिए, आलू की हार्वेस्टिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। द इक्विपमेंट इज अ पीटीओ ऑपरेटेड सिंगल रो मशीन, क्या ये सिंगल रो मशीन है जो कि ट्रैक्टर के पीटीओ द्वारा, पीटीओ शाफ्ट द्वारा ऑपरेट होता है, चलता है। द मशीन कंसिस्ट ऑफ कटिंग ब्लेड्स एंड एलिवेटर रोलर चैन ऑफ आयरन बार्स, ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है, एक कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं और एलिवेटर रोलर चैन्स ऑफ आयरन बार्स, ठीक है। आयरन बार्स के एलिवेटर मतलब जो रोल करते हैं, ठीक है, वो वाले चैन लगे होते हैं, ठीक है। द पोटैटोज आर डग बाई द ब्लेड्स, पोटैटोज को ब्लेड की मदद से माध्यम से खोदा जाता है एंड लिफ्ट टू अ कन्वेयर, और उसको कन्वेयर पे भेजा जाता है, विच इज अंडर पीरियोडिक सेकिंग, जो कि क्या करता है, वो मिट्टी को झाड़ता रहता है, ठीक है। द क्या झाड़ता रहता है, जो कन्वेयर पे जब हमारा आलू जाता है, खुद जमीन से निकला आलू फिर कन्वेयर पे लिफ्ट हुआ तो क्या हुआ है, वहाँ पे शेकिंग का कार्य हो रहा है, मतलब उसको हिलाता, वो हिल रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी सब साफ हो जाएगी। द पोटैटोज आर डिलीवर्ड एट द रियर ऑफ द मशीन, पोटैटो को कहाँ फिर गिराया जाता है, ट्रैक्टर मशीन के पीछे, मतलब जो पोटैटो डिगर रहता है उसके पीछे। इट इज अ ट्रैक्टर रियर माउंटेड पीटीओ ड्राइव मशीन, यह ट्रैक्टर के द्वारा चलने वाला, ट्रैक्टर के पीछे पीटीओ के माध्यम से चलने वाला मशीन है, ठीक है।
ये देखिए पोटैटो डिगर का डायग्राम है, अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डिगिंग हो गई, यहाँ पे एलिवेटर चैन है जिसपे शेकिंग हो रहा है, इसकी मतलब कि मिट्टी की सफैया हो रही है आलू से, और इसको मशीन के पीछे गिराया जा रहा है, ठीक है। बाद में पिकिंग का काम हो जाएगा। जो हमारा छठवां कंपोनेंट है वो ट्रैक्टर माउंटेड फॉडर हार्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि ट्रैक्टर से चलने वाला फॉडर की मतलब कि चारे वाली फसल की हार्वेस्टिंग करने वाला मशीन, ठीक है, ट्रैक्टर से चलने वाला चारा वाली फसल को हार्वेस्टिंग करने वाली मशीन, ठीक है। क्या है, अ ट्रैक्टर 41 किलोवाट ऑपरेट फ्लैट टाइप हार्वेस्टर क्यूम चोपर क्यूम लोडर वाज डिजाइंड टू फैसिलिटेट हार्वेस्टिंग चोपिंग एंड लोडिंग ऑपरेशन सिमुलटेनियसली, ठीक है, मतलब ये जो सारे ऑपरेशन हैं एक साथ होते हैं किसमें, ट्रैक्टर माउंटेड फॉडर हार्वेस्टर में, ठीक है। एक ट्रैक्टर 41 किलोवाट का जो होता है वो एक फेल टाइप हार्वेस्टर क्यूम चॉपर क्यूम लोडर वाज डिजाइन, ठीक है, उससे चलता है, जो कि क्या क्या करता है, हार्वेस्टर क्यूम हार्वेस्टिंग के साथ साथ चोपिंग का भी काम करता है और लोडिंग का भी काम करता है, ठीक है, ठीक है ना। ये कैसा मशीन है, हार्वेस्टर क्यूम चोपर क्यूम लोडर, ठीक है, मतलब कि ये चोपिंग भी करता है, लोडिंग भी करता है, हार्वेस्टिंग भी करता है। वाई डिजाइन टू फैसिलिटेट हार्वेस्टिंग, मतलब कि चारे वाली फसल की हार्वेस्टिंग करना, चोपिंग करना मीन्स चारे को काटना, ठीक है, एंड लोडिंग करना, और लोडिंग करना ऑपरेशन सिमुलटेनियसली एक साथ इस मशीन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि चारे वाली फसल को हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसकी चारे की कटाई भी कर सकते हैं, चोपिंग मीन्स चारे को काटना भी होता है, और किसी ट्रॉली वगैरह में या किसी कंटेनर में उसको लोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। द क्राफ्ट लाइक बाजरा सॉर्गम मेज बरसीम एंड ओट्स विथ हाइट ऑफ 1 से 2.5 मीटर, ठीक है, कितने हाइट तक, 1 से 2.5 मीटर तक कैन बी हार्वेस्टेड सक्सेसफुली। तो कौन कौन से क्रॉप हार्वेस्ट हो सकते हैं सक्सेसफुली, बाजरा सारगम मेज बरसीम एंड ओट्स, कितने हाइट तक, 1 से 2.5 मीटर तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 1 to 2.5 मीटर हाइट तक इस मशीन से हार्वेस्ट हो सकते हैं। द मशीन कंसिस्ट ऑफ अ रोटरी शाफ्ट माउंटेड विद द ब्लेड्स फ्लेल्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप आगर फॉर कन्वेइंग द कट क्रॉप्स, कटर्स फॉर द चोपिंग एंड कन्वेइंग चोपर फोडर थ्रू आउटलेट इनटू ट्रेलर, ठीक है। इस मशीन में क्या क्या लगे रहते हैं, एक रोटरी शाफ्ट लगा रहता है, ऑफ अ रोटरी शाफ्ट माउंटेड विथ ब्लेड, रोटरी शाफ्ट पे ही क्या लगा रहता है, ब्लेड फेल टाइप का, टू हार्वेस्ट द क्रॉप, किसके लिए, जो कि हमारे चारे वाली फसल है उसको काटने के लिए, आगर फॉर कन्वेइंग द कट क्रॉप, और एक आगर लगा रहता है जो कि कटिंग के बाद उस क्रॉप को कन्वे करता है, कन्वे मीन्स ले जाता है कहाँ, चोपिंग के लिए मीन्स चारा काटने के लिए, ठीक है, कटर फॉर चोपिंग्स, और एक चारा काटने वाली मशीन लगे रहती है, ठीक है, एंड कन्वेइंग चोपेड फोडर थ्रो आउटलेट इनटू द ट्रेलर, और एक कन्वेयर लगा रहता है जो कि कटिंग होने के बाद हमारे फसल की कटिंग होने चारा में कटिंग होने के बाद क्या करता है, वो ट्रेलर में लोड करता है, इनटू द ट्रेलर आउटलेट के माध्यम से ट्रेलर में लोड करता है। आप ये लोग ये इमेज देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ट्रैक्टर माउंटेड पीटीओ से चलने वाला क्या है, हार्वेस्टर है, ठीक है, वो फॉडर हार्वेस्टर क्यों चोपिंग क्यों लोडिंग है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप को क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बाजरा है या कुछ, हाँ शायद बाजरा है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से दिख रहे हैं, दिख आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, ये बाजरा की फसल है, ठीक है, 2.5 मीटर से इसकी कम हाइट होगी, तो ये क्या कर रहा है, इसकी हार्वेस्टिंग कर रहा है, फिर चारे में बदल रहा है, मतलब चोपिंग कर रहा है, मतलब चारा भी काट रहा है, और ट्रेलर में मतलब ट्राली जो हमारी उसमें लोड भी कर रहा है। तो आज हम लोगों ने हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा, आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।